तो दिस इज़ एनदर के एम साइकिल डिवाइज बाई मेकल रॉय एंड अदर्स तो ये जो एक कॉन्फ्रेंस पेपर है जिसमें ये पेश किया गया आई सी एम कॉन्फ्रेंस ऑन के एम ये म्यामी फ्लोडा में कॉन्फ्रेंस मुनकद हुई नाइनटीन नाइन्टी नाइन में uh, इस साइकिल में ये बताया गया कि नॉलेज प्रोडक्शन और नॉलेज इंटीग्रेशन क्या है और इसके साथ साथ एक सीरीज़ ऑफ़ फीडबैक लूप्स बताई गई और उसका मकसद ये था कि टू ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी, बिलीव क्लेम्स एंड बिजनेस प्रोसेसिंग एनवायरमेंट कि किस तरह से वो एक लूप में काम करते हैं और इसमें सिंगल और डबल लूप इस्तेमाल किए गए इस पर आप गौर कीजिए ये उसका ग्राफिकल मॉडल है इस साइकिल का कि किस तरह से सबसे पहला जो इसमें स्टेप है वो है नॉलेज प्रोडक्शन का कि नॉलेज प्रोडक्शन होती है और नॉलेज प्रोडक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज हमारे पास हमारे सामने आता है एक रिपोर्टी की शक्ल में उसमें से हम सर्च करके तो नॉलेज इंटीग्रेशन की तरफ़ जाते हैं इंटीग्रेशन के बाद हमारे बिलीव्स और क्लेम्स होते हैं कि जो फिर हमें एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज बेस की शक्ल में हमें रिजल्ट देते हैं और इसके बाद जब हमारे पास ये नॉलेज बेस बन जाती है तो हम एक सिंबल एक सिंगल लूप के ज़रिए से बिज़नेस प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में उस नॉलेज को यूज़ करते हैं अब यहाँ सिंगल लूप का मतलब ये है कि ये लर्निंग इस तरह की है कि नॉलेज आ रहा है और नॉलेज की मदद से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते हैं लेकिन जब हम प्रोसेसेस में उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद डबल लूप लर्निंग होती है इसका मतलब ये है कि एक तरफ हम नॉलेज के नतीजे में अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं और दूसरा फिर उस प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट के नतीजे में नॉलेज के अंदर भी तब्दीलियाँ होती हैं और नॉलेज दोबारा से जो है वो प्रोडक्शन की स्टेज की तरफ चला जाता है इस तरीके से हम इस लूप को पूरा करते हैं कि नॉलेज प्रोडक्शन से लेके उसके यूज़ तक और फिर उसके यूज़ में से नॉलेज फर्दर रिफ़ाइन हो के तो दोबारा क्रिएट होने के काबिल हो जाता है दिस मॉडल एम्फिस दैट ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज इज़ हेल्ड बहुत सब्जेक्टिवली इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुल्स एंड ग्रुप्स एंड ऑब्जेक्टिवली इन एक्सप्लीस फॉर्म अब जब ये माइंडस में होगा तो माइंड उसको अपने अपने तरीके से अप्लाई करेंगे इसी लिए यहाँ उसको सब्जेक्टिवली कहा गया लेकिन जब वो एक्सप्लिस फॉर्म में आ जाएगा तो फिर एक मीनिंग पर इतफाक़ होना मुमकिन हो गया कि जिसके नतीजे में हम उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ नॉलेज कह सकते हैं सो so, ये मॉडल हमें ये बताता है कि नॉलेज इज़ आल्सो अवेलेबल इन द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज बेस ऑफ द कंपनी कि एक नॉलेज बेस में नॉलेज अवेलेबल होता है नॉलेज यूज़ इन द बिजनेस प्रोसेसिंग एनवायरमेंट रिजल्ट्स इन आउटकम्स दैट आइदर मैच एक्सपेक्टेशंस और आउटकम्स दैट फेल टू डू सो कि या तो एक्सपेक्टेशंस मीट होती हैं या फिर वहाँ पे फेलियर होता है तो इन दो सूरतों में नॉलेज अप्लाई होने के रिजल्ट हमारे सामने आते हैं इसके अलावा ये है कि मैच जहाँ पर होते हैं री इनफोर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज लीडिंग टू इट्स री अब री का यहाँ मीनिंग है फ्यूचर यूज मिस मैच लीड टू एडजस्टमेंट्स इन बिजनेस प्रोसेसिंग बिहेवियर वाया सिंगल लूप लर्निंग अब ये सिंगल लूप लर्निंग के नतीजे में जहाँ पे मिस होते हैं वहाँ नॉलेज हमारे बिजनेस प्रोसेसिंग बिहेवियर को चेंज करता है सक्सेसिव फेलियर्स लीड टू डाउट एंड अल्टीमेटली रिजेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज विच ट्रिगर्स द क्रिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ न्यू नॉलेज वायर डबल लूप लर्निंग अब होता क्या है कि जहाँ फेलियर्स होते हैं और वह फेलियर्स सक्सेसिव यानी बार बार होते हैं तो वहाँ पे डाउट जनरेट होता है और अल्टीमेटली एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिजेक्ट करके वहाँ पे नया नॉलेज क्रिएट किया जाता है और इस प्रोसेस को भी यहाँ पे डबल लूप लर्निंग कहा गया अ ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ मेकलरॉय साइकिल इज द क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ नॉलेज इज एवेल्युएटेड टू मेक और नॉट टू मेक इट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज अब ये इसकी एक स्ट्रेंथ है मेकलरॉय uh, साइकिल की कि किस तरह से नॉलेज को एवेलुएट किया जाएगा और एवेलुएशन के बाद ही नॉलेज या तो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेगा या फिर उसको वहाँ से निकाल बाहर किया जाएगा